तब तक आपको पैसे आएंगे कैसे? जो आप प्लान दिखाते हो नॉर्मली, जो हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी मॉडल दिखाते हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, सब कुछ की बात करते हैं, वो जो शुरू में जो भूमिका बनाई जाती है वो दैट इज नॉट द प्लान एक्चुअली, दैट इज ओपन समथिंग। कहते हैं इंसान का दिमाग और पैराशूट केवल तब खुलता है जबकि वो माने जब तब काम करता है जब तो खुलता है। कक्षा आपको यहाँ पे समझना है। तो अब क्या होता है कि जैसे एक माइंड सेट हम लेकर के बैठे हैं, हम 20 30 40 50 साल से काम कर रहे हैं, हम उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम उस चीज को बदलने के लिए तैयार नहीं है ना। तो वहां पर हमको यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम उस माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं ना कि कुछ आपको फर्क रिजल्ट पाने के लिए कुछ फर्क करना पड़ता है, अपनी सोच को फर्क तरीके से लेके जाना पड़ता है। इवन मैं अपने परिवार का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ब्रदर की बात कर रहा हूँ जो भी एडमिट है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे भाई साहब सेकंड नंबर वाले भाई साहब, उनके दो बेटे हैं। एक बेटे ने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, सीए करने का था और नहीं करेंगे, तो वो शॉप में उनके साथ एज ए हेल्पिंग हैंड हो गया। सेकंड नंबर पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो दिल्ली में था, उसने दो ग्रुप निकाल लिए हैं, इंटर्नशिप अपनी चल रही है उसकी, फाइनल भी निकाल लेगा, सीए बन जाएगा। इस समय स्थिति क्या हो गई है कि भाई साहब कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, बड़ा बेटा कोविड पॉजिटिव हो गया है, हमारी जो शॉप है 64 साल पुरानी फर्म है, उस शॉप पर बैठने के लिए वो बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, वेरी ब्राइट स्कॉलर, आज की तारीख में वो पूरे टाइम दुकान पर ड्यूटी दे रहा है। अब अगर वहां पर ड्यूटी नहीं देता है तो इनकम बंद हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि अगर शटर बंद हो जाएगा, टर्नओवर होना बंद हो जाएगा, तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। इतनी हमें समझ है, अगर किसी दुकान का शटर बंद है और ताला लगा है तो क्या मानेंगे? हाँ, दिखनी नहीं हो सकती। आपको इस बिजनेस में नहीं समझना, इस बिजनेस में हम ही स्टोर है, हम ही शोरूम है, हम ही सेल्स पर्सन है, हम ही सीईओ है, सारे राइट्स सारी अथॉरिटी कंपनी ने हमको ही दे रखी है और इसी बात का वो सारा पैसा हमको देने को तैयार है। जो ओरिजिनल बिजनेस प्लान होता है वो जो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर मॉडल है कि 40 रुपए में कोई चीज बनती है और 100 रुपए तक कस्टमर तक जाती है, 60 रुपए जो सप्लाई चेन में मिडिल मैन में जाता है उसी 60 रुपए को रीरूट करना, रीरूट तो हो रहा है, मॉल्स पे रीरूट होने लग गया, ऑनलाइन पोर्टल्स पे रीरूट होने लग गया। अब अगर हमारी तरफ रीरूट हो जाए तो उसी पैसे से हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो आइडिया क्या है, जब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में टर्नओवर होगा, यानी मैन्युफैक्चरर के साथ कस्टमर भी होगा और सेल भी होगी, जब कंपनी को सेल मिलेगी तब ना कंपनी उसमें से देगी। दिस इज ओरिजिनल प्लान। गड़बड़ क्या कर रहे हैं लोग, फ्री में जीरो पैसे में व्हाट्सएप खेल करके आधार कार्ड लगा करके फ्रेंचाइज तो ले रहे हैं, कंपनी से कनेक्ट तो हो जा रहे हैं, पर ना उनकी दुकान एक भी दिन खुल रही है, ना एक रुपए का भी वो टर्नओवर कर रहे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये आज के सेशन की बेसिकली थीम क्या है, जैसे कई आपको लोग मिलेंगे, मैं इतने दिन से कुछ हो नहीं रहा, तो जब कोई बोलता है कुछ हो नहीं रहा तो मेरा सवाल होता है आपने किया क्या अब तक, आप क्या परिणाम पाना चाहते हैं, नहीं हो रहा भी एग्री, क्यों नहीं हो रहा आप बताओ, आपकी वजह से क्या दिक्कत है, कौन सी चीजें जो रोक रही है, क्या आपने खुद ऑर्डर किया? मेजोरिटी लोग, मैं आपको बता दूं, जो इस बिजनेस में फेल हैं, जो सरसब्ज नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो खुद फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करते। मैकेनिकली प्लान तो दिखाते हैं, दूसरे को बोलेंगे प्रोडक्ट बड़ा अच्छा यूज करना चाहिए, खुद यूज नहीं करते, खुद यूज नहीं करते। दूसरे को बोलेंगे आपको मल्टीविटामिन खाना चाहिए, दूसरे को बोलते हैं आपको इम्यूनिटी बूस्टर खाना चाहिए, क्या खुद खाते हैं, क्या साबुन रिप्लेस करी है, क्या शैम्पू चेंज किया है, खुद अभी भी पतंजलि यूज कर रहे हैं, खुद अभी भी डाबर से ले रहे हैं, खुद अभी भी कोलगेट से ले रहे हैं, खुद कोरोनिल खा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं चले, मेरे ब्रदर कोरोनिल खा रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम पता है, बट अगर मैं न्यूट्राइट सप्लीमेंट छोड़ के अगर मैं भी कोरोनिल खाने लग जाऊँ, मैं वकालत करूँ कि हमारा तुलसी बड़ा अच्छा है, हमारा अश्वगंधा बड़ा अच्छा है, ये चीटिंग है, ये गलत है, इसका मतलब मुझे खुद ट्रस्ट नहीं। घड़ी वालों का बड़ा अच्छा विज्ञापन है, पहले इस्तेमाल करें, पहले विश्वास करें। तो बेसिकली ये जो आज का सेशन है इसकी थीम क्या है, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम। तो ये दो लेवल पर है, इस पूरे बिजनेस की फिलॉसफी क्या है, यूज एंड रिकमेंड, बस। आप 10 साल से एमवे के अंदर में हैं, आप पूरी थीसिस कर दीजिए, आप सारी रिसर्च कर दीजिए, पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ दीजिए, रिच डेवोस से लेकर डेक्स्टर येगर तक, जिम एनसी से लगा कर डेविड डॉर्नर तक, सबको पढ़ा लिया, पूरा गूगल कर लीजिए, सब यूट्यूब कर लीजिए, सिर्फ इतनी सी बात है, यूज एंड रिकमेंड, पीरियड। सन 2002 में फरवरी में जिम डॉर्नर मुंबई आए थे नेशनल कन्वेंशन बोलने के लिए,
और वहां की जो उनकी टॉक है वो एक सीडी है जिसका नाम है इट्स ए परफेक्ट बिजनेस, वीडियो सीडी है, दिनेश शंकरपुरी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो अपने लीडर्स के थ्रू आप ले सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हो। सुनो जरा उसमें क्या बोल रहे हैं। उस समय जब जिम आए थे 70 में उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, 32 साल से ऑलरेडी बिजनेस में थे, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर थे, सैकड़ों डायमंड उनके बिजनेस में थे, न जाने कितने क्राउन एम्बेसडर उनके बिजनेस के अंदर में, और वो सिर्फ यही बात कर रहे थे यूज एंड डिपेंड, अमेरिकन की बात कर रहे थे कि मेरे बिजनेस के अंदर में लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं और जिन्हें पसंद आता है या जो करना चाहते हैं रिकमेंड कर देते हैं, इतना ही बिजनेस है। तो हमें यहां पर चेक क्या करना है, पहली बात क्या हम यूज कर रहे हैं। अगर इसका जवाब सामने सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज 20 तारीख को आपका पर्सनल पीवी 0 है तो सारी बात यही खत्म है। हमारे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सुनते सब मिलता किसी को कुछ नहीं है, कथा समाप्त हुई, स्वाहा, प्रसाद लिया और लेके चले गए अपने घर। अगर आपका पर्सनल पीवी 0 है तो आपने सिद्धांत की धज्जी तो सबसे पहले उड़ा दी। फिर दूसरा सिद्धांत क्या, रिकमेंड। कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे घर में सामान पिताजी लेकर के आते हैं, वो कंट्रोल मेरी मदर के हाथ में है, वो कंट्रोल मेरी सास के हाथ में है, फलान के हाथ में। मानता हूँ सास के हाथ में और पिताजी के हाथ में होने के बावजूद कुछ चीजें होती है जो हमारी पर्सनल होती है। भले ही पिताजी लेकर के आते हो पर शैम्पू तो मैं अपनी पसंद का यूज करता हूँ ना, तो क्या मैं पिताजी से नहीं कह सकता कि शैम्पू का ब्रांड चेंज करके मैं इसकी जगह ये यूज करना चाहता हूँ, या मैं सास को ही नहीं बोल सकता कि ये चीज मैं अपनी मर्जी से ले आती हूँ। ये कब होगा, जब हमारे अंदर वो समझ होगी, वो सूझ होगी, है ना। आई जस्ट टेक परमिशन फॉर अ सेक, आई होप विल नॉट माइंड, जस्ट अ थैंक्स रबाब। सो जो बात मैं कह रहा था कि यहाँ पर हमको सबसे पहले थीम समझने की जरूरत है। कहते हैं कोई भी आप जब बिल्डिंग खड़ी करते हो तो वो कितनी ऊंची जाएगी इस बात का पैमाना ये होता है कि उसकी नींव कितनी गहरी गई हुई है, उसकी नींव कितनी मजबूत है। अगर आपने 3 तल्ले की बिल्डिंग बना रखी है और उसके हिसाब से अगर नींव पड़ी हुई है तो उसको आप 13 तल्ले नहीं लेके जा सकते हो। आप 1-2 तल्ला तो उठा सकते हो, चलो उठा दोगे, पर अगर आप और 5-10 तल्ले चले जाओगे तो रिस्क है वो ढह जाएगी पूरी। एक डायमंड ने एक सीडी में बोला है कि अगर मुझे 100 PV के प्रोडक्ट हर महीने खरीद करके पीछे गाड़ने भी पड़ जाए, खेत में फेंकने पड़ जाए, देन आपको लगता है कि मैं प्रोडक्ट खरीद के यूज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, बेच तो सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, रस्ते हैं उसके भी, तरीके हैं उसके भी, बता दिए जाएंगे आपको, ये सेशन इसीलिए है। पर पहले हमें सोल्यूशन मोड में आना पड़ेगा। क्या हमें इस तरीके का सोचने की जरूरत है, डू वी नीड टू थिंक दिस वे। अगर हमें इस तरीके का सोचने की जरूरत है तब तो ये बात है। अगर हमारे बच्चे को क्रिकेटर बनना है तब तो फिर कोचिंग और कोच और विराट कोहली और उसकी जरूरत है। पर अगर हमारे बच्चे को क्रिकेटर बनना ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट है कि मुझे फिल्मों में जाना है, तो हम उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा और धोनी के बारे में कुछ भी बताते रहे, हाउ डज इट मैटर। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वाकई आप इस बिजनेस से कुछ पाना चाहते हो, अप्रोच क्या है आपकी इस बिजनेस के प्रति। किसी के कहने से आ गए थे, ऑब्वियसली कहने से ही आते हैं। किसी को ओबलाइज करने के लिए आए, ऑब्वियसली शुरू में ओबलाइज करने के लिए आते हैं। तो किसी ने कहा आ तो गए थे पर टिके क्यों, चलो किसी ने जबरदस्ती करी थी, किसी ने जिद करी थी, आपका मन नहीं था, आप करना नहीं चाहते थे, पर पिछले 6 महीने, 1 साल से, 2 साल से, 3 महीने से टिके हो तो टिके क्यों, कोई तो बात होगी, कुछ तो लगा होगा। उसी के साथ आगे बढ़ते तो सबसे पहली चीज क्या है, यूज, यूजर बनना है, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। तो पहले ये चेक करेंगे, सबसे पहले मैं अभी स्क्रीन पर आपसे नहीं पूछने जा रहा कि आपने पर्सनल पीवी अपना डाला है कि नहीं डाला है, बट अगर आपने नहीं डाला है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत बड़ी भूल है। एज एन अपलाइन हो सकता है आपने नहीं डाल रखा हो और आप ये सोचे कि हमें नहीं पता है, आप हमारे बिजनेस में हो, हम जब अपनी एलओएस खोलते हैं हमें सब दिख जाता है, हो सकता है हम आपको कहें ना, वेरी ऑनेस्ट वी विल नेवर टेक यू सीरियसली। सुशील जी कहते हैं 2 क्राइटेरिया है, अगर कोई पर्सनल पीवी नहीं करता और अगर कोई मीडिया पर रजिस्टर नहीं है तो हम उसको कभी सीरियसली लेते ही नहीं है।
मैं नहीं बोला, सर बोलते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट पर्सन, तो उन्होंने राइट पर्सन वो है जिसका मीडिया खत्म हो जाने से पहले पहले सर मेरा रिन्यू करा दीजिए। सर रिन्यू कैसे करना है? और पर्सनल पीवी के लिए कहने से पहले ही वो व्यक्ति अपना पर्सनल पीवी लगा दे। जो व्यक्ति पीवी कर रहा होगा और जो व्यक्ति मीडिया सुन रहा होगा उसको सेमिनार में आने के लिए भी बोलना नहीं पड़ेगा। देयर लॉट ऑफ सेमिनार लवर्स। एक्टिविटी जरूरी है। मीडिया अपने आप में सब चीज समा, अभी का टॉपिक हमारा मीडिया नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता दूं मीडिया क्या होता है। किसी सेमिनार की रिकॉर्डिंग होता है, मीडिया में क्या होता है, स्पीकर सब कुछ बोल रहा होता है, कोई अपनी टॉक के अंदर में प्रोडक्ट के प्रमोशन कर रहा है, कोई मीडिया के प्रमोशन कर रहा है, कोई सेमिनार के प्रमोशन, अल्टीमेटली सब कुछ होता है। अगर आप मीडिया पर आ जाते हो तो एक कहावत है, कहते एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो अगर आप मीडिया को साध लेते हो, पर वो सेशन सुबह होता है तो उसके बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो अगर आपने पर्सनल पीवी अभी तक नहीं किया है और आप इस बिजनेस से किसी भी प्रकार के बड़े परिणाम की अपेक्षा करते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सब मेरी एलओएस में हैं। चाहे आप किसी भी लीडर के थ्रू कनेक्ट हुए हों, अगर आप इस चैट रूम में और आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड गया है, तो आप मेरी ही एलओएस का पार्ट है। पर मैं आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। हो सकता है आपका अपलाइन आपसे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो हम कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, वो केवल गलतफहमी और खाम ख्याली है। Somebody said, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हम भी एमवे में है जी, रहो एमवे में, एमवे में तो मैं भी हूं, एमवे में तो आप भी हो। अब आपको क्या मिलता है वो आप देख लो, मुझे क्या मिलता है मुझे पता है, आपके लीडर्स जुड़े हुए हैं उनको क्या मिलता है पूछो, मेरा बाप होस्ट कर रही है पूछो क्या मिलता है इसको, डॉक्टर गोरखनाथ डॉक्टर रूपादास पूछो इनको क्या मिलता है। अभी जा रहे हैं, अभी आपके सामने जाएंगे। अभी मैं कल रात को किसी को बोल रहा था, मैंने कहा भी रुक जाओ जरा और डेढ़ महीना आने दो धनतेरस, अभी जब इनका जीआईपी रिलीज होगा तो दिखाऊंगा आपको कि कितना अमाउंट है। महीने की इनकम जो कमाई अलग, इज्जत जो मिल रही है अलग, सोशल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिल रही है अलग, फॉरेन की ट्रिप मिल रही है अलग, और साथ में जो एक एनुअल पे आउट मोटा मिलता है, मोटे लफ्जों में अगर बताऊं तो इन्होंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 2018 में, मई 18 से मई 19, मई 20, जून जुलाई अगस्त और हम सितंबर में हैं, 28 महीने की ज्वाइनिंग है, 28 भी पूरे हुए नहीं है। अब 28 महीने पे अगर 100 पीवी पर मंथ अगर पकड़ लीजिए तो कितना हो गया, 2800 पीवी। एक पीवी की वैल्यू 100 रुपए के आसपास है, 105 पकड़ लो तो 2800 पीवी की वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए हो गई। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसकी मैथ समझना, मैट्रिक्स क्या है। अगर ये ईमानदार थी, ईमानदारी से धर्म से सिर्फ 100 पीवी महीने करते होते, ये ज्यादा करते हैं, तो आज तक का जो इनका टारगेट था कोर बने रहने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए 2800 पीवी की इनको रिक्वायरमेंट थी यहां तक पहुंचने के लिए, कोरम के लिए लगभग 3 लाख रुपए की शॉपिंग। मैं ऑन स्क्रीन आपको बताने जा रहा हूं इन्होंने कितना पैसा कमाया, जस्ट फॉरगेट दैट। धनतेरस की सुबह 8:30 बजे इनके अकाउंट में 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसे आने वाले हैं एज ए एनुअल बोनस। और आप पूछ सकते हैं डॉक्टर रूम्पा से, डॉक्टर गोरख से, कि इन्होंने उस धनतेरस वाले पैसे के लिए काम नहीं किया है। हम एनुअल बोनस के लिए काम नहीं करते, डिफॉल्ट आता है, हम तो मंथली बोनस के लिए काम करते हैं, ये एज ए रिवॉर्ड है। प्लस कंपनी अभी 1 लाख रुपया इनके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है टीटीसीए का। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक बार एमरल्ड भी चले जाओगे, अभी छोड़ दो फाउंडर फाउंडर प्लैटिनम, सॉरी एक बार प्लैटिनम भी चले जाओगे, अभी रबा फाउंडर प्लैटिनम है, मैं नहीं बात कर रहा, मैं एमरल्ड हूं, मैं नहीं बात कर रहा, अगर आप एक बार सिर्फ प्लैटिनम भी चले जाओगे जिस लेवल पर डॉक्टर गोरखनाथ हैं, तो क्या होने वाला है, 3 साल में जितना प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे सारा आपका एक झटके में जीरो हो जाएगा। अब आपने 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट भी यूज कर लिए और कंपनी ने आपको 3 लाख रुपया अलग से दे दिया, 1 लाख रुपया आपको पिन अचीव करने का दे दिया, 1 आपको फॉरेन ट्रिप दे दी, और 3 साल तक जो भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए वो जो आपको बाजार से खरीदने पड़े वो भी पैसे बच गए आपके, कहाँ रखा है दुनिया में। और प्लस आपने जो महीने के कमाए वो अलग है। इनकी चेक्स मैंने 1.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये की मैंने खुद देखी है।
अभी इस महीने प्रदीप क्वालिफाई कर रहा है। मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं सुशील पचंदा जी की, मंजीत जी की, अपनी और बात नहीं कर रहा, मैं आपके लोगों के बीच की बात कर रहा हूँ, मैं रबाब की टीम की बात कर रहा हूँ। इस महीने प्रदीप क्वालिफाई कर रहा है। अब बीबीआई का कंपोनेंट अगर सब मिला के चलेंगे तो प्रदीप की इनकम लाख रुपए से ऊपर जाएगी, और अगर प्रदीप प्लेटिनम चला जाता है, जो कि जाएगा ही जाएगा, और वैसे भी एक से ज्यादा बार क्वालिफाई करेगा, तो प्रदीप पीजीजीआई का रिसिपिएंट भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो लोग नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम्स, जो नहीं मान रहे हैं बात, आपको समझ ही नहीं है, कंपनी आपके एक बार के किए पीवी पर आपको तीन बार पैसे देती है। पूछो कैसे? एक बार कंपनी आपको तुरंत दे देती है, देन एंड देयर, उसी महीने में दे देती है, फिर उसी पैसे पर कंपनी आपको मल्टीप्लायर देती है बीएफआई बीबीआई का, और फिर जब साल खत्म होता है तो उसी पैसे पे कंपनी आपको पीजीजीआई और एफजीआई का मल्टीप्लायर देती है। तो बीएफआई बीबीआई का मल्टीप्लायर कितना है? 15% और 20% लागू हो गया 35%। पीजीजीआई में अगर आप 6 बार या उससे ज्यादा करते हो तो मल्टीप्लायर कितना है? 40%। एफजीआई में अगर आप फाउंडर प्लैटिनम करते हो तो मल्टीप्लायर कितना है? 40%। तो अगर आप स्पीड से काम कर लेते हो तो आपको कितना मिल रहा है? 35 + 40 + 40, ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कितना हो गया? 115%। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, ये कोर प्लान की बात नहीं कर रहा ना। जो पीवी प्रदीप अभी कर रहा है, उस पीवी पे प्रदीप को महीने की महीने पैसे आ रहे हैं। अब सितंबर स्टार्ट हो गया है, अब जो पीवी प्रदीप अभी कर रहा है, इस पीवी पर साथ में बीबीआई भी बढ़कर के आएगा, फिर जो पीवी प्रदीप अभी कर रहा है, ये पीवी कंपनी के पास इकट्ठा होता जाएगा। जब 31 अगस्त 2021 आएगा और ये साल खत्म होगा, जैसे डॉक्टर रूम्पा के लिए साल खत्म हो गया, तो कंपनी ने क्या देखना शुरू करा? टोटल पीवी कितना था और कितने महीने की क्वालिफिकेशन है, तो पता लगा जी ये तो 40% के स्लैब में आ गए हैं। तो जितना कमीशन बनता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जितना बोनस आपने पूरे साल में अर्न किया है, उस पूरे बोनस पर कंपनी आपको 40% एक्स्ट्रा देती है। इसका मतलब क्या है? अगर पूरे साल में 12 महीने में डॉक्टर गोरख और डॉक्टर रूपा ने, मान लेते हैं कि हम 1 लाख रुपया महीना पकड़ लेते हैं एवरेज, जब क्वालिफाई नहीं किया थोड़ा कम हुआ, और जब क्वालिफाई किया थोड़ा ज्यादा गया, 1 लाख रुपए एवरेज पकड़ लेते हैं, तो 12 महीने में कितना बोनस बन गया? कम से कम 12 लाख रुपए। 12 लाख का 40% कितना हो गया? मोटा मोटा जोड़ा रहा हूं, 4,80,000 रुपए। 1 लाख रुपए प्लेटिनम होने का कितना हो गया? 5,80,000 रुपए। कम से कम 3 लाख रुपए की ट्रिप है, नहीं जोड़ रहा, चलो कोई बात नहीं। नाउ व्हाट आई से कि वो जो 5,80,000 रुपए है, आज की तारीख में लोग बाहर तरस रहे हैं कि उनको 5 लाख रुपए का पैकेज मिल जाए। 2.5 लाख 3 लाख रुपए के पैकेज से स्टार्टिंग होती है एनुअल सैलरी, और वो भी धरी नहीं है आज की तारीख में। तो अगर आप पर्सनल पीवी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपना मल्टी टाइम्स नुकसान कर रहे हैं, आप अपना महीना भी खराब कर रहे हैं, आप अपना साल भी खराब कर रहे हैं, आप पीजीजीआई भी मिस कर रहे हैं, आप बीवीआई भी मिस कर रहे हैं, अगर फाउंडर प्लैटिनम चले गए एफजीआई भी मिस कर रहे हैं। समझो कंपनी की भावना क्या है, वो अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते। डग डेवास बोलता है बहुत है हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी है। तो सबसे पहली चीज, आओ पर्सनल पीवी करते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हो, कितने लोग आज की तारीख में ये कसम खाने को तैयार हैं कि आज के बाद आपको पर्सनल पीवी के लिए सर आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा? कैन आई सी रेज ऑफ हैंड्स? जो लोग मेरे से एग्री करते हैं, मेरी थॉट से एग्री करते हैं, जिनको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं, जिनको ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपने फायदे के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनका पीवी मेरे में जुड़ जाएगा, इनके पीवी से डॉक्टर रूपा करोड़पति बन जाएंगी, इनके पीवी से रबाब को 3-4 और विदेश यात्राएं मिल जाएंगी। गुड। तो आपको यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है
कि पहले फिलॉसफी समझो, ये विन विन मॉडल है, ये विन लूज मॉडल नहीं है। आप जीतोगे तो हम जीते। अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, ये हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे कर भला तो हो भला है। इस महीने अगर प्रदीप क्वालिफाई करता है, क्वालिफिकेशन पे है, एंड डॉक्टर गोरखनाथ एंड रूपा दास मेहनत कर रहे हैं कि प्रदीप को क्वालिफाई करा ले जाए, तो देखो क्या होगा उसमें। अब जब प्रदीप क्वालिफाई करेगा तो प्रदीप वहां से 6% लीडरशिप बोनस उनके लिए जनरेट करेगा। आपको प्लान में कई बार होता है ना, जब हमको पैसे मिले नहीं होते हैं तो हमको फीलिंग नहीं आती, अरे सर ये तो पता ही है, अरे छोड़ो सर, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कर लेने दो। बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में घुसता है ना, सीपीएमटी देने जा रहा होता है तो मन में डॉक्टर की एक इमेज होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा। जब तक प्रदीप क्वालिफाई नहीं कर रहा था तब तक प्रदीप के वॉल्यूम पर डॉक्टर गोरखनाथ को पीजीजीआई मिल रहा था। जैसे ही प्रदीप क्वालिफाई कर जाएगा तो प्रदीप के वॉल्यूम पर इस डॉक्टर कपल को एफजीआई मिलना शुरू हो जाएगा। कर भला तो भला है। एंड फनी थिंग इज, जब पीजीआई मिल रहा था उनको तो क्या कंपनी प्रदीप के बोनस में से काट रही थी कि भैया रूपा को भी देना है तो तुम्हारा कम कर दें? नो। अब जब प्रदीप क्वालिफाई कर जाएगा और उसके ऊपर में उनको एफजीआई देना पड़ेगा तो क्या कंपनी बोलेगी प्रदीप आप थोड़ा कम ले लो, एक्चुअली हमें रूपा को भी देना? नो। ये कंपनी अपनी पॉकेट से दे रही है। क्यों दे रही है? वो ये मानती है कि अगर डॉक्टर गोरखनाथ मेहनत नहीं करते, प्रदीप को स्पॉन्सर नहीं करते, हेल्प नहीं करते, इस लायक नहीं बनाते किस लेवल तक आए, तो वो यहां तक नहीं पहुंचता। इस बात के लिए अभी आप ये सेशन रबाब होस्ट कर रही है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, लास्ट ईयर मैं आपको इसी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ वी मेक मनी एंड हाउ यू विल मेक मनी। पिछले 3 सालों में रबाब फ्लू 5 times, 5 बार गई, ठीक। एक बार ही गई गो डायमंड के लिए बाली, एक बार गई दुबई प्लेटिनम फोरम के लिए, और उसके बाद में एक बार गई चाइना, और एक बार गई इस्तांबुल, और एक बार गई पटाया। 5 trips। मैं आपको रिवॉर्ड दिखा रहा हूं, क्यों मिली ये ट्रिप्स इतनी सारी? बिकॉज शी हैज ब्रोकन फ्यू पिन लेवल्स। कंपनी ये मानती है कि अगर रबाब ना होती, रबाब हेल्प ना करती, उस लेवल की विजन कास्टिंग ना करती, उस तरीके से ग्रूमिंग ना करती, मेंटरिंग ना करती, तो शायद डॉक्टर गोरखनाथ डॉक्टर रूपादास बिजनेस में ही नहीं आते। और अगर आ भी गए थे तो कोई गारंटी नहीं है कि उस लेवल तक पहुंचने के लायक बनते। देखो प्लेटिनम होने के बाद यह माना जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया है। प्लेटिनम से आप 18 साल पार करते हो, अभी प्लेटिनम हो गया, हाँ चलो ठीक है आप करो, वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां पे कंपनी इंडिपेंडेंट यूनिट मानती है, पर बिफोर प्लेटिनम वो बेबी सिटिंग चलती है। तो ये जो रिवॉर्ड की बात हो रही, मैं आपको ये इसलिए इन लोगों के नाम लेकर के बता रहा हूं कि कल को आपको रबाब के लेवल पे आना है, कल को आपको प्रदीप के लेवल पे आना है, कल को आपको हमारे लेवल पे आना है, हमसे बड़े लेवल पे जाना है, कल को आपकी इनकम हमसे भी ज्यादा हो सकती है। मेरे अपलाइन का और मेरा जो लेवल है, मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। At times I make more money than him and he is more happy. वो मुझे blessings देते रहते हैं हमेशा, कोई competition नहीं है। प्रेम पिल्लई founder diamond है, सुशील पचंदा जी उनके downline हैं जिन्होंने business उनसे सीखा है, he is double diamond। सुशील जी की income प्रेम की income से 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। प्रेम is more happy क्योंकि जितना सुशील जी grow करेंगे उतना प्रेम की income grow करेगी। ये दुनिया में कहीं नहीं है। और इस सारे प्रोसेस की शुरुआत कहां से होगी? खुद से। खुद क्या करना है? पर्सनल टीवी। हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हम किसी को बेच नहीं सकते, आई एग्री, पर हम खुद तो यूज कर सकते हैं ना। अगर हम खुद ही कन्विंस नहीं है कि ये साबुन की बट्टी अच्छी है और हमको डब की जगह ये यूज कर लेनी चाहिए, तो हमको किसी दूसरे को कन्विंस करने का हक भी नहीं है। हु वी आर टू से एनीबॉडी कि आप यूज करो, किस हक से कह सकते हैं हम? तो सबसे पहला काम क्या करना है?
अगर अभी तक पर्सनल पीवी नहीं, वॉट एवर द रीजन, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ज्वेलरी है रख दो गिरवी, रखे रखे कोई काम नहीं आने वाली, सोने के दाम बढ़ भी जाएंगे, रख भी लोगे तो क्या करोगे, कभी पहन पाओगे? अभी रखा था हमारे यहाँ निकल गया सारा, क्या कर लिया हमने उसका? और रखा रहता 2-4-5 साल तो मन में ख्याल ही तो था भाई घर में इतना सोना रखा है, क्या करेंगे उसका आज के माहौल में, क्या बाहर निकल के पहन सकते हैं क्या? समझदार बनने की जरूरत, तो पहला काम क्या करना है, यूज करना है, दूसरे लेवल पे क्या करना है, रिकमेंड करना है, यूज एंड रिकमेंड। तो ये बात वहीं से जुड़ी है, कॉन्फिडेंस बोलता है। आप किसी को कौन सी पिक्चर रिकमेंड करते हो, जो आपने देख रखी है बिना देखे कर देते हो? आप किसी को कौन सा मोबाइल फोन रिकमेंड करते हो, कौन सा होटल रिकमेंड करते हो, कौन सा डॉक्टर रिकमेंड करते हो, कौन सा पार्लर, कौन सा बुटीक, कौन सा सैलून रिकमेंड करते हो? यू टेल मी, यू टेल मी। इतनी समझ है ना हमारे अंदर, जहां खाना खाए होते हैं वहां रिकमेंड करते, वहां का खाना बड़ा टेस्टी है। तो इस बिजनेस के अंदर में भी अगर आपने यूज कर रखा है, आप यूज कर रहे हो, तो रिकमेंडेशन सीखनी नहीं पड़ेगी, इट कम्स बाय डिफॉल्ट। जो बोलते हैं ना कि हम किसी से कह नहीं सकते, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हम किसी को समझाने, मैं आपको बता दूं, मेरे ब्रदर कोविड पॉजिटिव है, जिसको जिसको पता लगा, नाक में नींबू डाल लीजिए, हल्दी का दूध पी लीजिए, कोरोनिल पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, दुनिया भर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे, हाँ दुनिया भर का ज्ञान, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हम किसी से कह नहीं सकते। तो जी हमने तो आपसे नहीं पूछा था कि हमको सलाह दीजिए, फिर काहे आप इतने ज्ञान दे रहे हैं? भतीजे का कोविड पॉजिटिव आया, उसको आइसोलेशन में कैसे रहना चाहिए, उसको होमवर्क, सब कहानी बता दी पूरे, मेरे मोहल्ले में फलाने को हुआ था तो उसको ऐसे हुआ था, तो मेरे परिवार में तो आप ऐसे कीजिए, आप यहां गलती कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं हम कहां गलती कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम कहां गलती कर रहे हैं, तब सारा ज्ञान है। हम तो किसी को जानते ही नहीं, जो ये कहते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं है, उन्होंने ही हमें 10-15-20 एड्रेस बता दी, फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए, फलाने से ये कर लीजिए, कहां से निकल के आ गए? कहते इंसान को जिस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वहां पे उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बोलता है, ओवरफ्लो करता है। क्रिकेट पर बात छिड़ जाए और कोहली बैठा हो और आप उसके सामने उल्टी सीधी बात करने लगो, कितना भी चुप्पा हो, शांत रहने वाला हो, चुप रह पाएगा क्या? आपने कोई पिक्चर देख रखी हो और आप बिल्कुल भी पीपल पर्सन नहीं हो, और मैं उस बगल में बैठा हुआ हूँ और मैं उसी पिक्चर के बारे में गलत सलत राय देने लग जाऊँ, बहुत ही बकवास सी चीज़ थी, नॉनसेंस, इतनी बेहूदा एक्टिंग करी, और अगर आपने देख रखी है और आपको जरा भी समझ है, चुप रह पाओगे क्या आप? तो या तो आप मुझे शांत करोगे, मुझे फैक्ट्स बताओगे, या मन में ये सोचोगे पागल है, अकल तो है नहीं, मैं कितना भी बड़ा विद्वान हूं पर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपने पिक्चर को देख रखा है। अब इसी बात को अगर ऐसे जोड़ दो, ये मैं किसी को कन्विंस नहीं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मना कर दिया, मैंने उनसे बात करी, हाँ हाँ ठीक है, फिल्मों से ही अगर बात ले लीजिए कि हर पिक्चर वो जो कि आपको पसंद आती है, क्या क्रिटिक्स को पसंद आती है, क्या हर ऑडियंस को पसंद आती है? एक ही पिक्चर अगर घर के 4 लोग देखने जाते हैं, एक कहता वाह क्या फिल्म थी, और एक बोलता है सीन में दर्द हो गया, हुआ है कभी ऐसा? किसी रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत पसंद है, दूसरा पसंद, वहां नहीं जाएंगे, आपको तो चाय बेहद पसंद है पर आपके भाई साहब को नहीं, नहीं चाय नहीं पिएंगे, उन्हें कॉफी बहुत पसंद है, आपको कॉफी की स्मेल से वॉमिट आती है, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? समझदार बनने की जरूरत है। अब सवाल है कि कैसे रिकमेंड करेंगे, जो आज का ओरिजिनल विषय था, इतनी बातें तो मैंने आगे पीछे ऐसे ही कह दी, कैसे रिकमेंड करेंगे? सिंपल है, इस बिजनेस में सफल होने का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अगर इस बिजनेस को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, और ये मत मानिए कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होगा, कोई स्पेशल डिग्री लेनी पड़ेगी, इस तरह के लोग इसको कर पाते हैं, उस तरह के लोग इसको कर पाते हैं, तो यहाँ इस तरह और उस तरह कुछ चलता नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को उसी तरीके से करते हैं, वॉल्यूम्स को आप उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप जाति जिंदगी में चीजें करते चले आए हैं,
तो ये बिजनेस बन भी जाएगा और आपको बना भी ले जाएगा। हम यूज करते हैं, अभी अभी मेरे ब्रदर एडमिट है अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर, पीजीआई वालों ने टेक ओवर कर रखा है, अब वहां से ठीक होकर के आ जाएंगे। और अगर वहां की व्यवस्था उनको ठीक लगेगी, और मान लो कोई कोविड का पेशेंट टकराएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मेरा सगा भांजा कैंसर सर्जन है कानपुर के अंदर में, अब मेरा सगा भांजा मुझसे पैसे लेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, आए दिन किसी को भी दिक्कत होती है, लाओ अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, रिपोर्ट भेजिए, उसको भेजता हूँ, या जब देख के बता दे क्या है, जैसे में दवा बता दे, और ज्यादा तरस आता है तो एक मिनट को ना यार कौन कॉल पे जरा प्लीज एक मिनट, उसको कौन कॉल पे लिया, हाँ रोहित फलाने मेरे साथ है, हाँ डॉक्टर साहब लाइन पे, बताओ क्या है प्रॉब्लम, क्या मेरा कोई कमीशन है, मैं क्यों कर पाता हूँ यूँ, क्योंकि मुझे अपने भांजे पे कॉन्फिडेंस है, इसे गोल्ड मेडलिस्ट, हाथ बहुत साफ है, ईश्वर की कृपा से आज तक कोई भी केस खराब नहीं हुआ। तो जैसे मैं डॉक्टर को रिकमेंड करता हूँ, क्या उसी कॉन्फिडेंस से मैं मल्टीविटामिन डेली रिकमेंड कर सकता, ये करना है आपको। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, अभी सुबह का केस है, जैसे लेडी इन माई ग्रुप ज्योति चौधरी, आपको मीटिंग्स में मॉर्निंग में दिखाई देगी, मैंने स्पॉन्सर किया उनको 2 महीने पहले, और पूजा बिलोटिया इज माई भांजी, और पूजा ने ज्योति को स्पॉन्सर किया एज ए कस्टमर। अब पूजा का टर्नओवर करना था, ये जो 5,000 रुपये का कंपनी ने कंप्लायंस लगाया, इससे बड़ा फायदा हुआ है, पहले हम लोग भी ज्वाइन करा लेते थे कह नहीं पाते थे, कंपनी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, अब जब कंपनी ने फंसा दिया तो कहना मजबूरी हो गई, अब बिना कहे तो आगे बढ़ नहीं सकते हो। अब अगर पूजा के नीचे नेटवर्क बनना था तो मुझे पूजा क्या बोलना पड़ा, बेटा वो अपने को कस्टमर आने पड़ेंगे, और कम से कम 3-4 कस्टमर बना करके, और उनके नंबर पे मिनिमम 5,000 रुपये की शॉपिंग आनी पड़ेगी। हालांकि मैं 5,000 नहीं बोलता हूँ और 3 कस्टमर भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 3 बोलते हो तो व्यक्ति 3 में फंस जाता है, और अगर आप 5,000 बोलते हो तो 5,000 में फंस जाता है, फिर वो 5,500 का भी, अगर ऑर्डर 5,500 का और घटा के 5,000 पे ले आएंगे, सो आई नॉर्मली डोंट डू दैट। जब कोई बहुत पूछता है कितना है कितना है तो बताता है, ठीक है ना यार चल ऑर्डर डालते हैं। तो पूजा ने जो फर्स्ट पर्सन को इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था ज्योति अग्री, ज्योति बिजनेस में आ गई। अब जब ज्योति बिजनेस के अंदर में आ गई, मैंने एज ए कस्टमर आ गई, तो ज्योति के नंबर पर कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कराए गए, फिर पूजा ने किसी दूसरे का नंबर बनवाया, फिर तीसरे का बनाया, फिर चौथे का बनाया, करते करते पूजा का 5,000 कंप्लीट हो गया, उसके बियॉन्ड चला गया। उस वक्त तक पूजा ने अपना ऑर्डर नहीं डाला था, बाद में डाला, तब तक इधर उधर कस्टमर से ऑर्डर लेती रही। फिर हमने ज्योति को ADR में कन्वर्ट कर दिया, सेम प्रोसेस, ज्योति के नीचे कस्टमर बने और वो कस्टमर के ऊपर में ऑर्डर लगे, और जब 5,000 की क्राइटेरिया पूरी हो गई, अब तो काफी ऊपर चली गई है, तो हमने ज्योति को ADS में कन्वर्ट कर दिया। अभी सुबह सुबह ज्योति ने मुझे फोन किया और सर आपको कौन कॉल पे लेना है किसी के साथ, उसका एक ऑर्डर लगाना है छोटा सा। ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी, 571 रुपये। कल मैंने एक ऑर्डर लगाया, उसकी वैल्यू कितनी थी, 513 रुपये। 571 में क्या था, बी ब्राइट का हर्बल फेस वॉश और ग्लिस्टर टूथपेस्ट, ये आज का ऑर्डर है। कल एक 513 रुपये का ऑर्डर लगा था, उसमें क्या था, एक ग्लिस्टर टूथपेस्ट और एक ग्लिस्टर एडवांस टूथब्रश। अगर मैं आपको बोलूं कि इस महीने ज्योति का करीब 150 PV के आसपास ऑलमोस्ट हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3% के ऊपर ज्योति का जाने जाना है, और वो जो 150 PV करीब हुआ है उसके अंदर में ज्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 ऑर्डर लग चुके हैं, 500 रुपये का, 1,200 रुपये का, 1,300 रुपये का, 2,500 रुपये का। अभी जैसे पूछा उसने मेरे को, किसी को अगर मुझे रिकमेंड करना हो वेट लॉस के लिए तो क्या क्या बताना है, तो मैंने बोला अभी स्टार्टिंग करनी है तो पहले OPD से स्टार्ट करते हैं, फाइबर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर अपन बाकी चीजें एक एक करके लेके जाएंगे। तो बोली आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा बात कर रहा हूँ सेशन के बाद, 5 के बाद कॉन कॉल पे ले लेना। अब 5 के बाद मुझे कॉन कॉल पे बात कराएगी एज ए थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, आई विल रिकमेंड द प्रोडक्ट। मैंने जोड़ के बता दिया 7,705। फंसी, हो सकता है मना करें तो हम उनको ऑफर करेंगे 2,600 रुपये में OPD आता वो ले लो, शुरू करो। कल परसों किसी ने ऑर्डर दिया, कल की बात है, एक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का ऑर्डर आया। मैं आपको बता रहा हूँ हाउ वी आर डूइंग, आपको फंसना नहीं है। 5,000 का मतलब ये नहीं एक साथ किसी की जान ले लीजिए, नो नो नो, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय बट नोबडी वॉन्ट्स टू बी सोल्ड। अगर आप उनको बेचने की कोशिश करोगे, अगर उनको ये लगेगा आप उनको बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो बैकफुट पे आ जाएंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, और अगर वो डिफेंसिव हो जाएंगे तो आप नहीं करा पाओगे। तो हम उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने वेबसाइट पे जाकर के सारे प्रोडक्ट की इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है, आप भी कर सकते हो, वेबसाइट खोल लीजिए और प्रोडक्ट को सर्च पे डालिए, प्रोडक्ट सामने आ जाएगा।
उसके बाद में जब उसको अंगूठे से आप ऐसे से फ्लिप करेंगे तो नीचे डॉट बने होते हैं, जब वो डॉट के साथ प्रोडक्ट आगे जाएगा तो इमेजेस चेंज होती जाएंगी और आपको तीसरे चौथे नंबर पर एक इमेज मिलेगी जिसमें पीछे कोई लड़का लड़की होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, बड़ी सुंदर सी इमेज होगी। और वो मैंने 70-80-100 इमेजेस डाउनलोड कर रखी है सब कैटेगरी की। नाउ व्हाट आई डू, अब जब मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ या मैं बात करता हूँ उसको नॉर्मली, अभी तो मेरा फोकस होता है कस्टमर आने पे, तो उसको बोलता हूँ मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज रहा हूँ, मैंने वो इमेजेस भेज रहा हूँ और आपको प्रोडक्ट कैटलॉग भेज रहा हूँ और कुछ आपको मैं प्रोडक्ट के वीडियो भेज देता हूँ, इसमें से आप चूज कर लो आप किन किन प्रोडक्ट से शुरू करना चाहोगे। हम ऑप्शन दे रहे हैं, ये लड़कियां भी यही कर रही हैं, लेडीज भी यही कर रही हैं। अब जब किसी व्यक्ति के पास हमने एसेड का एक तो सुंदर सा पोस्टर भेज दिया और फिर एसेड का हमने एक वीडियो भेज दिया मेरे चैनल पे, मतलब आपके वीडियो पड़े बहुत सारे, उसमें एक वीडियो एसेड का है, मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, आयरन फॉलिक का, ट्राई आयरन फॉलिक का एक वीडियो, चेरी आयरन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, देन उसी के ऊपर मैं एक टेलकम पाउडर का वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर एक विटामिन सी का वीडियो पड़ा हुआ है। क्या आपने वीडियो देखे? क्या आपने वीडियो को किसी को फ्रॉड किया है? अगर आपको लगता है कि कोई कन्विंस नहीं होता, आई टेल यू कोई कन्विंस हो जाए ना आप हो जाओगे। अगर वो एसेड का डेमो वाला वीडियो जो हमने विकास नगर में शूट किया था अपने फ्रेंड के घर पे जहां पर आप डेमो दिखा रही है, अगर आप सिर्फ उस वीडियो को तरीके से ध्यान से देख लो, 5 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है, मैं क्या बोलता हूँ इन लेडीज से, मैं इनसे बोलता हूँ ये जो वीडियो है ना, जब पहली बार किसी को भेजता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसके नोट्स बना लेना और जब किसी से बात करनी हो तो यही लैंग्वेज यूज करना। आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है उसमें लैंग्वेज यही आनी चाहिए। उसमें बहुत खूबसूरती से सर्फ एक्सेल के साथ में कंपैरिजन किया गया है, मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट फर्क कैसे है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। मैं आपको आज ओपनली कह रहा हूं, उस वीडियो को कृपया 100 लोगों को भेज दीजिए। अगर आपको 30-40-50 लीटर बॉटल का ऑर्डर ना मिल जाए तो मुझे बता देना, इट इज एज इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव हो। अभी मैं कल ही जब आपको बता रहा था कि मेरी टीम में एक लड़का है और उसको मैंने चेरी आयरन का वीडियो भेज दिया, अब उसने आयरन का वीडियो देखा, अब तो अकलमंद था, मेडिकल स्टोर से जाकर के कैप्सूल खरीद लाया और वो चुंबक में लगा के किया और जब वो पकड़ लिया तो मुझे फोन करके बोलता है सर मैंने किया वो तो मेरे भी चुंबक में पकड़ लिया। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं थोड़ी थी, पकड़ता है तभी ना तुमको बताए थे। फिर बोलता है कि मैं मम्मी के लिए ऑर्डर लगा दिया इसको। टूल्स को यूज करना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक फोन को यूज कर रहा हूं, अभी मैं 200-400-500 लोगों को अगर एड्रेस करना होता तो मैं उस तरह के डिवाइसेस को यूज करता। आप इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या टूल्स को यूज कर रहे हो? आप वॉल्यूम को बिल्ड करने के लिए क्या टूल्स को यूज कर रहे हो? क्या थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो? एक और चीज बता रहा हूँ, ये जितना भी मैं कस्टमर बेस बना रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं ये लोग एक काम और कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हैं कंपनी की, अभी 5 बजे से एमवे यंग शेक्स पे एक सेशन करने जा रही है, अभी 3 बजे से भी एमवे का एक सेशन चल रहा है, मॉर्निंग में 10 बजे एक सेशन था, 11 बजे एक सेशन था। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको बिजनेस से मतलब नहीं है, फिर प्रोडक्ट लवर्स, उनको बिजनेस नहीं करना, हम नेटवर्क नहीं बना सकते, किसी से कह नहीं सकते, तो क्या आप अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के सेशंस में इनवाइट करते हैं? इफ नॉट तो आप गलती कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पिछले 3-4 महीने के अंदर में मैं आपको सही बता रहा हूं, जितना मेरा वॉल्यूम होता था ये डबल ट्रिपल हो गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू ज़ूम। हम खुद दुखी परेशान थे कि एमबे जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता था सेंटर के अंदर में, लिमिटेड डेज और लिमिटेड टाइम, और जितने ऑफिस गोवर्स होते थे अब जाएं कैसे, अगर मैं अपनी कार में बैठा के ले जाऊं तो रिस्ट्रिक्शन था, 2-3-4 लोगों से ज्यादा जा नहीं सकते और 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होते थे, और हम लोग खुद ही सोचते थे बताओ ट्रेनिंग रूम में इतने लोग भरे हैं हमारा एक व्यक्ति नहीं है। जब से एमवे ने प्लेटफॉर्म यूज किया है, मतलब चांदी हो गई है, प्रोडक्ट सेशंस में हमारी टीमें होती हैं, लोग बैठ, मुझे पता है आधी बार तो मुझे नहीं पता, आज बताता हूं आपको, आज मैंने अपनी बेटी से लेके नितिका चड्ढा का नंबर आज पहली बार अपने फोन में सेव किया है, मेरे पास नंबर नहीं उसका, उसके पास कहां से आ गया, वो नितिका चड्ढा को फॉलो कर रही है, वो डायरेक्टली नितिका चड्ढा के ब्रॉडकास्ट में है, नितिका जितनी ट्रेनिंग खुद करती है वो सब उसको मैसेज करती है, और मैं उससे कई दिन से पूछा था तुम ये सारी ट्रेनिंग नितिका की, तुमको इन्फॉर्मेशन कहां से आती है,
तब उसने आज मुझे बताया, पापा आपको भी भेजती हूँ। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं भेजती, मुझे नदी भेजते हैं, तो भी मुझे नित्रा भेजती है। तब मैंने नंबर लेके, अब एक चीज सोचो, अगर मेरी बेटी मेरे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर है और वो डायरेक्टली नितिका से कनेक्ट हो गई है और वो नितिका के सेशंस को यूज कर रही है, तो उसको ज्ञान मिल रहा है ना वहां से, तो मैं क्या ज्ञान, आप मैं क्या, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा मेरा स्ट्रेंथन एरिया है नेटवर्किंग, लीडरशिप और बाकी चीजें, मुझे प्रोडक्ट की उतनी नॉलेज नहीं है ना। सिग्नेचर सीरम लॉन्च हुआ, मुझे नहीं पता उसके बारे में भाई, लेट मी ऑनेस्ट। अब अगर वो सिग्नेचर सीरम की ट्रेनिंग वहां नितिका से ले लेती है, आर्टिस्ट वर्चुअल ब्यूटी ऐप की ट्रेनिंग वहां से ले लेती है और खुद यूज करने के लिए मंगा ले या किसी को रिकमेंड कर दे, तो बिजनेस मेरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब वो नितिका एकदम से तो उसकी जिंदगी में नहीं आई। मैंने एमवे के जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस के उसको लिंक दिए, उसमें नितिका की किसी ट्रेनिंग में एंड में नितिका ने अपना नंबर शेयर किया होगा पार्टिसिपेंट से। मैंने से पूछा तुमने कहाँ से लिया, बोला उसमें उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, तो उन्होंने कहा था दोज वांट टू सेव कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप में से ले सकते हो। तो उन्होंने नंबर से शेयर किया था, मैंने नंबर कर लिया और उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया, उस पर उन्होंने दो बार मेरा नाम लिया, अप्रिशिएट किया, उसके बाद उन्होंने खुद से मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया, मैसेज भेजना शुरू कर दिया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस डन बाय एमवे, एलओएस ट्रेनिंग्स डन बाय एलओएस, रश्मि मैम करती हैं कंडक्ट, जब आप कंडक्ट करती है और बड़े सारे सेशंस होते हैं, कभी कभी हम लोग भी कंडक्ट करते हैं, कई सारे वीडियोस बना बना के यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग डाल रखे हैं इसके ऊपर में। अब वो जो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग्स पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस के नाम से, 1-2 उसमें रूपा क्वीन पे बात कर रही हैं और कैटेगरीज पे लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ बात, आपने उसको कितना यूज किया? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इतना कुछ हो गया पिछले 5-6 महीने में, जिन्होंने नहीं देखा वो बेचारे इसी गलत समय में जी रहे हैं आज तक। अरे जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब शुरू करेंगे, अभी तो सब बंद है। अच्छा ये बंद है तो फिर ये लाइन लगा के डायमंड और ईडीसी और फाउंडर डायमंड और डबल डायमंड जो भी ब्रेक हुए हैं, अगर आपने नहीं पता हो तो आप पूछना अपने लीडर से। एमवे ये कह रहा है कि जितने आज तक नहीं ब्रेक हुए उतनी ग्रोथ इस साल आई है और इवन मेरे बिजनेस में आई है, 2-2 प्लैटिनम्स, बल्कि 3 प्लैटिनम, मेरे ब्रदर लॉग तुम गिनते नहीं है क्योंकि वो यहां पर है नहीं, सिस्टम का पार्ट नहीं है। आई ब्रोकन 3 प्लैटिनम्स दिस ईयर, एक रबाब के थ्रू, एक रीना जी के थ्रू और एक मैंने अलग से ब्रेक किया अपनी तीसरी टीम में इसी कोरोना कोविड काल के अंदर में। जस्ट ऑल क्रेडिट, मैं कह रहा हूं यहां से, ऑल क्रेडिट गोज टू दिस जूम। मैं ये नहीं बोलूंगा दिस पैंडेमिक, ईश्वर ना करे किसी जिंदगी में बुरा वक्त आए, और जो मंजीत जी बोलते हैं इट कुड बी द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट कुड बी वर्स्ट ऑफ टाइम। दिक्कतें आई हैं फिर भी लोग ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया ना, दाल रोटी के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना, वाई नॉट दिस बिजनेस? अगर हम कोविड की स्थिति में भी अगर नौकरी पे जाने के लिए तैयार हैं, दुकान पर बैठने के लिए तैयार हैं, मेरे ब्रदर को बुखार था, सिम्टम्स थे, फिर भी दुकान और बिजनेस चालू था। जब बहुत ही हालत खराब हो गई, बदन बिल्कुल ही टूटने लग गया, जब हम लोग बिल्कुल ही डांट टपट शुरू हो गई, उसके बाद गए टेस्ट कराने के लिए। ये है लोगों की हालत, उनको ये भी समझ नहीं थी, कह भी रहे थे हम लोग भैया कौन कौन तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, समझो तो बात को। एक हफ्ते पहले मैं खुद भी हो गया था, लकीली उस बात को करीब 8 दिन का गैप था। लोग रिस्क लेकर के, मतलब लोग जान के रिस्क लेकर के काम करने को तैयार है, किस लिए? पैसे के लिए, सर्वाइवल के लिए। यहां तो आपको जान नहीं देनी ना, शहीद नहीं बनना ना, आपको सिर्फ टीम बना करके अलाइन करके काम करना है, आपको सिर्फ अपने लीडर के साथ हैंड होल्ड करके काम करना है, आपको सिर्फ सिद्धांतों। आज सुबह मेरे बड़े ब्रदर का कॉल आया, ये भी 2 घंटे पहले की बात है। मेरी जिंदगी में बाहर का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपने किस्से कहानी बताता हूँ। मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं, प्रिंटर खराब हो गया, उन्होंने मुझे कॉल किया होगा, मेरा फोन पिक नहीं हुआ, उन्होंने मुझे मैसेज डाला होगा कॉल बैक, मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। फिर जब मैंने मैसेज देखा कॉल बैक किया, मैंने कहा ऑल वेल, तो बोले नहीं यार वो एक प्रिंटर चाहिए था, एक प्रिंटर चाहिए था और लेना था अर्जेंटली और तुमसे पूछना था और तुमसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने फिर क्या किया, बोले वो उनसे बात करके एक और हमारे फ्रेंड है और परचेज कर लिया। कितने का मिला? 11,000 रुपये का मिला, 11,400 रुपये का, 11,400 रुपये का प्रिंटर एक सेकंड में खरीदना पड़ गया, क्योंकि तो बिना प्रिंटर के इन्वॉइस प्रिंट नहीं हो सकती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस के पेन है। क्या उन्होंने एक सेकंड भी सोचा? नहीं। आपसे अगर
900 रुपये खर्च करने कह दिए जाते हैं, तो आपको 1000 बार क्यों सोचना पड़ता है? मेरे को एक दो मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा प्लान है, मुझे निकलना है, सो दोज हु वांट टू लीव दे कैन, नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे रुकने की, मैं भी 5 मिनट में अपनी बात को फिनिश करूंगा। सो अगर किसी का कोई प्लान बुक है, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आप आराम से क्विट कर सकते हो, एब्सोल्युटली नॉट ए प्रॉब्लम। मुझे जो मुद्दे मोटी मोटी बातें मुद्दे की कहनी है वो सिर्फ इतनी सी है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को यूज करो, फंसी मत बनो। 5000 का ही ऑर्डर कराएंगे, नो, 5-500 के 10 ऑर्डर क्यों नहीं करा सकते हैं? मल्टीविटामिन डेली का ही ऑर्डर कराएंगे क्यों? एक लिस्टर और एक टूथब्रश से क्यों नहीं शुरू करा सकते हैं? अगर कंपनी 500 पर कुरियर फ्री दे रही है तो हम 4000 पर ही क्यों फंसे हुए हैं? अगर कंपनी 3 कस्टमर की बात कर रही है तो यार वो 3 मिनिमम बोल रहे हैं भाई, क्या 3 कस्टमर में पूरी दुनिया खत्म है? मैं एक और चीज बता दूं, ये लेडीज लोग को मैंने क्या बोल रखा है, सेम कस्टमर पर रिपीट ऑर्डर करके फर्जीवाड़ा करने नहीं बोला मैंने, मैंने इनको क्लियरली बोल रखा है जेन्युइन ऑर्डर्स लगेंगे, कीप क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। अभी मैंने जिसको बनाया लेडी को, पिंकी गुप्ता को, शी इज ए न्यू कस्टमर। कल मैंने राखी बैनर्जी को स्पॉन्सर किया था, शी इज ए न्यू कस्टमर। परसों देवजनी घोष घोषाल को स्पॉन्सर किया है, इन्हीं की टीम में सब न्यू कस्टमर्स हैं। अब इनके पास 10-10, 12-12, 15-15 कस्टमर्स हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक काम ये लोग और कर रहे हैं, ये जो इमेजेस हमने डाउनलोड करी है, व्हाट दे आर डूइंग, अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे हम लोग के, ये चीज इनफैक्ट मैंने विदिशा से सीखी है, आई रियली अप्रिशिएट हर। मैं नॉर्मली तो मैं किसी के स्टेटस को फॉलो नहीं करता, एक दिन मुझे ऐसे विदिशा का स्टेटस दिख गया, मैं जस्ट एंटर एंटर कर लिया, और व्हाट आई सॉ कि विदिशा जीएनएच लोशन का डेमो कर रही है, जस्ट लाइक ए मॉडल। अरे आप मॉडल क्यों नहीं हो सकते हो? कोई जरूरी कि बॉलीवुड आपको हायर करेगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और आपके ऊपर मॉडल का मीडिया खिताब लगाएगा तभी आप मॉडल कर सकते हो? मैं यहां से कह रहा हूं, आई डोंट नो विदिशा इज हियर और नॉट, मैं विदिशा को फॉलो करता हूं बॉडी वॉश का, या विदिशा इज हियर, या जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को पेश करती है, जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है। अभी कल मैंने देखा विदिशा के स्टेटस पे, सुबह 3 प्रोडक्ट थे, मल्टीविटामिन डेली और ओमेगा 3 एंड वन मोर प्रोडक्ट, और तीनों प्रोडक्ट पड़े थे, उसके बारे में कैप्शन लिखा था, एंड वॉन्ट टू नो मोर हाउ कॉन्टैक्ट मी डीएम। कुछ दिन पहले जूम का था, स्टोव बर्नर रखा है, बगल में जूम रखा है, एक तरफ गंदा रखा है, एक तरफ साफ रखा है, इमेज खींच करके उसके ऊपर में डाली हुई है। कुछ दिन पहले जीएनएच लोशन का था, उसके पहले बॉडी वॉश का था, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप क्यों नहीं कर सकते? सेटिनिक शैम्पू का था, ग्लॉसी रिपेयर का था, ये तो मैंने विदिशा के वॉल पे देखे हुए, लॉट ऑफ पीपल डज। और ये जो दिल्ली वाली टीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कलकत्ता वाली जो लड़कियां हैं, खूब करते हैं लोग, इन्हें कोई शर्म नहीं, अपफ्रंट अप्रोच है। अरे भैया अगर आप बाहर कंपनीज में जाओगे, ओरिफ्लेम टपरवेयर वगैरह के अंदर में, एवन वगैरह के अंदर में, तो वो लोग खुलेआम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, उनके यहाँ काम ही प्रोडक्ट सेलिंग का है, उनके यहाँ एक्चुअली नेटवर्किंग का काम ही नहीं है। आपको समझदार क्या बनना है, अगर आप प्रोडक्ट के थ्रू नेटवर्क बनाने पे जाओ, हमें क्या करना है, हमने किसी को प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करना है, जब ऑर्डर मिल जाए तब उसको प्यार से बाद में बोलना है, आपका नंबर बनवा देते हैं, अगर आप कुछ लोग रिकमेंड कर दो, स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट्स, वो लोग सिंगल लेवल मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि मुझे कितना मिल जाए, हमारी सोच क्या होती है, हम इसको कितना अर्न करा दें जिससे कि हमको उस पर प्रॉफिट्स मिल जाए, उसको भी और हमको भी, दोनों को, बोथ वेज, वी ऑलवेज लुक फॉर बिजनेस पार्टनर्स। तो क्या आप उन इमेजेस को डाउनलोड, अगर व्हाट्सएप ने आपको लाइव स्टेटस का ऑप्शन दिया है जो कि 24 घंटे तक लाइव रहता है, तो क्या आपने जीवन में कभी भी सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा देते क्या? उल्टी सीधी तस्वीरें तो बहुत डाली होंगी। आपको मैं बताऊं, अगर आप अभी मेरी टॉक खत्म होने के बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, तो जितनी भी लड़कियां लेडीज आपके ग्रुप के अंदर में हैं, जिनके बीक हैं, जिनके पार्लर हैं, गौर कर लीजिएगा अभी आप, जो अपेरल्स में डील करती हैं, तो अभी आप देखोगे 50, 60, 70, 80, 100 सूट्स के डिजाइन, बैग के डिजाइन, ज्वेलरी के डिजाइन सब अपलोड होते हैं, और ऑनलाइन सेलिंग करने वाली 90, 95, 98, 99% लेडीज अपने सारे ऑर्डर्स वहीं से लेती हैं। आप किसी के इनबॉक्स में अगर मैसेज डालते हो तो उसको बुरा लग सकता है, कैसे डाल दिया, पर अगर आप अपने लाइव स्टेटस पर फोटो को लगा देते हो, वो भी देख रहा है, खूब देखता हूं ये। मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूं, अगर मुझे किसी को टारगेट करके कुछ कहना होता है तो उसको लिखूंगा तो बुरा मान जाएगा,
मैं क्या करता हूँ, उसको मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख देता हूँ, और मुझे मालूम होता है पढ़ेंगे जरूर, और लोग पढ़ते हैं, और जो मुझे मैसेज कन्वे करना होता है मैसेज कन्वे हो जाता है। अब चूंकि मैंने उसको पर्सनली कहा नहीं, मैं तो स्टेटस पे लगाया है, तो मुझसे शिकायत, आपने मुझे क्यों बोल दिया, जस्ट पार्ट ऑफ जोक। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उन इमेजेस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, अगर प्रोडक्ट की वीडियोस के लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए, अगर आप क्रिएटिविटी में कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, आपने किसी को एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया, देखो तो 25, 30, 40, 50, 100 कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर फोन में 500 नंबर सेव हैं, 400 लोग व्हाट्सएप पर हैं, 14 ग्रुप बना रखे हैं, क्या फायदा उन ग्रुप्स का, क्यों नहीं यूज कर रहे हो? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, आप नहीं बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो बेच ही रहा है। जिस आदमी को आप बेवकूफ समझते हो वो आदमी मुकेश अंबानी के लिए डेटा है। जो व्यक्ति आपके लिए किसी काम का नहीं है, उसी व्यक्ति के लिए रतन टाटा सुपर स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर में। जिस व्यक्ति का आप नाम लिखना भी पसंद नहीं करते हो, अमेजॉन उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। सोच का फर्क है, हम किस बिजनेस के अंदर में हैं? समझो बात को, जो टर्नओवर हो रहा है बाहर, दुकानों में भीड़ क्या है, जितनी दुकानें हैं, जितने सुपर स्टोर्स हैं, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जो वो कर रहे हैं वही बिजनेस है और हम भी वही कर रहे हैं, हम उनकी तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अपना लगा रखा है, हमने अपना कुछ नहीं लगा रखा है। उनके में सारी रिस्क उनकी है, डूबा तो उनका डूबा, हमारे में हमारी रिस्क कुछ भी नहीं है। अम्मी जी हमेशा मेरे को सिखाती थी, एक ही बात कहती थी, इसके डू इट लाइक ए जॉब बट ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। अगर आपको इसको करने में अगर जॉब वाला डिसिप्लिन ले आए, नौकरी की तरह करना है। अभी अभी डॉक्टर रूपा कोविड में वार्ड में ड्यूटी लगी थी उनकी, तो एक सीडी में एक स्पीकर ने बोला नखरे नहीं चलते यहाँ। अब वो कहते जी नहीं नहीं मैं तो कोविड पॉजिटिव वार्ड में नहीं जा सकती, मेरे तो घर में बच्ची भी है, मैं तो रिस्क है। तो कहते जॉब में नखरे नहीं चलते। कितने सारे हमारे डॉक्टर दोस्त हैं जो कि जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं, हम घर से निकल करके जाने में सगे भाई हैं तो घबराहट होती है, और जो वहां पर ड्यूटी कर रहा है वो भी तो इंसान ही है, सोशल वर्कर हेल्थ वर्कर जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि जॉब में नखरे नहीं चलते। जिनके अपने पैसे लगे हुए हैं वो ऐसे दुखी हैं, 103 104 डिग्री बुखार के अंदर में भी काम करने के लिए तैयार मजबूर है। यहां पर भी अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन है, रॉबर्ट कासा बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर में पैसा नहीं लगता, ये अच्छी बात भी है और यही बुरी बात भी है। इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, ये अच्छी बात भी है और यही बुरी बात भी है। तो क्या करना है आपको, डू इट लाइक ए जॉब, डिसिप्लिन वही रखो, प्रेशर उसी तरीके से लो, बट ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। जॉब की मेंटालिटी क्या होती है, मिनिमम काम चलाओ, उतना कर दे जिसमें काम चल जाए, जान छूटे, बॉस नहीं आया अरे चलो आज तो बल्ले बल्ले हो गई, इतना करके काम चल सकता है चलो इतना ही करेंगे, ये जॉब की मेंटालिटी होगी। बिजनेस में क्या होती है, ओनरशिप। कस्टमर अगर एक सामान लेने आया तो मैं क्या सोचता था, स्टाफ क्या सोचता था, अरे एक दे जान छूटे, हम क्या सोचते थे इसको एक और चीज कैसे देते। आप कपड़े की दुकान में जाओ, किसी ने मांगा कि मेरे को ये चाहिए, कस्टमर ने वही दे दिया स्टाफ ने, मालिक क्या चाहता है, अरे इनको ये भी दिखाओ, अरे इनको वो भी दिखाओ, अरे रुकिए रुकिए ये भी देख लीजिए, होता नहीं होता है ओनरशिप। इस बिजनेस के ओनर आप, इस बिजनेस के मालिक आप इस बिजनेस को जहां चाहो वहां लेके जा सकते। थोड़ा सा दिमाग को खोल के सोचना, फंसना नहीं है। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, इसका सार क्या है, इसका सार सिर्फ इतना सा है, फंसना नहीं है। हम बिल्कुल जाएंगे, हम प्रोटीन पाउडर 1 किलो के डब्बे के ऑर्डर के लिए भी जाएंगे, पर क्या हम आंवला से शुरू कर सकते हैं? समझदार सेल्समैन क्या करता है, पहले महंगा दिखा के फिर सस्ते पे लाता है, या यहां से शुरू करके धीरे धीरे अपग्रेड करता है? दोनों तरह की ऑडियंस होती है। आप एकदम से 4,000 रुपए का किसी को प्रोटीन दिखा दो, अरे नहीं भैया तो बहुत महंगा है, पर आप 70 रुपए के आंवले से अगर शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ, खरीदेगा वो। 4,000 रुपए का प्रोटीन बेचने के लिए आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको उसको नहीं दिखा के ट्रेनिंग में बुला लेना है। अभी एसेंशियल की ट्रेनिंग है, 3 बजे चल रही है, बैठा दो वहां पे, खुद ही बाहर निकल के बोलेगा मेरे को ये मंगा दीजिए, ये मंगा दीजिए, मंगा दीजिए। तो अगर कंपनी आपको चीजें प्रोवाइड करा रही है तो व्हाई नॉट यूज दैट। सो स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट सेशंस, स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट पिक्चर्स
ऑन व्हाट्सएप लाइव एंड व्हाट्सएप ग्रुप, भेजो यार, क्या शर्म पड़ी है? कोई बुरा मानता है तो मानने तो बुरा, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है। आप इतने ग्रुप में जुड़े हुए हो, एक इंश्योरेंस के ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ जबरदस्ती, सुबह से शाम तक भेजा करते हैं ये प्लान ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए, स्पेशली डेडिकेटेड टू द पीपल दोज आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस। आप क्यों नहीं बना सकते हो भाई, कर लो, और जिन्हें बुरा लगे लगने दो। कुछ लोग ऐसे तो उनको हर चीज बुरी लग जाती है, इसमें क्या खास बात है? एबंडेंस की थिंकिंग रखती है, तो शर्म छोड़ दो। इतना सेलिब्रिटी अपने आप को सेल करता है, टीवी पे मार धाड़ चल रही है इसमें, पिछले कुछ दिनों से एक अभिनेत्री का विवाद चल रहा है। अब वो राम जाने सही है कि गलत है, कितने परसेंट सही है कितने, मैं डिस्प्यूट में नहीं जा रहा, शी साउंड्स लाइक शी इज राइट, बट अब उसके पीछे और क्या क्या कहानियां चल रही हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, विरोधी पार्टी कुछ और कह रही है, एवरीबडी इज मार्केटिंग हिमसेल्फ, व्हाई नॉट यू? अगर आपको फ्री में मिल गई है कोई चीजें, अगर आपके पैसे नहीं लगे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको वैल्यू मत करो। इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी फ्री में मिलती है, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। कुछ नहीं लग रहा है आपका, कुछ नहीं लग रहा है, मेरा सारा बिजनेस ये मोबाइल फोन, इसमें एक 3 महीने में एक बार 84 दिन में रिचार्ज करा लो, एक ठो पावर बैंक, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, जहां चला जाऊं वहीं चालू हो जाएगा बिजनेस। ये काम करने तो थोड़ा सा सोच इस तरीके अपनी, कस्टमर डेवलप करो, CSI के बेनिफिट्स। आज सुबह मैंने किसी को स्पॉन्सर किया था, कल आज 3 कस्टमर्स बना के उनके नंबर पे 7,700 कुछ रुपए का ऑर्डर लगवाया। मैं अभी की घटना आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको बोला अकाउंट जरा अपना लॉगिन करके चेक करो कितने पैसे, 555 रुपए CSI उनके अकाउंट में दिखना शुरू हो गया है। Then she asked me, ये 555 रुपए चाहिए कैशबैक है? मैंने कहा नो नो नो, कैशबैक तो अभी आएगा अलग से, वो 333 रुपया अलग आएगा। Now she calculated, 888 रुपए हो गया। मैंने कहा यस, सिर्फ इतने से ऑर्डर पर? मैंने कहा यस, and she got excited। तो कंपनी CSI 10% दे रही है, क्या आपने किसी को बताया उसके बारे में? क्या आपने इतना पेन दिया कि कुछ लोग के कस्टमर्स बनवा दो? आओ अपनी पूरी LOS उठाओ, जो भी लोग जुलाई के पहले ज्वाइन किए हुए हैं, इस रूल के पहले ज्वाइन किए हैं, चलो उनको कॉल लगाते हैं और उनको बोलते हैं, क्या आप इतना पेन दे रहे हो कि अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं तो आप उनको बोलो रुको एक मिनट, जरा एक मोबाइल नंबर दो, आइए जल्दी से आपका कस्टमर क्रिएट करके इस पर ऑर्डर करा देते हैं। क्यों? आपका फायदा करा रहे हैं भाई, आपको पेन लगेगा, पर अगर आपने 5 मिनट में उनका कस्टमर क्रिएट करा के उसके नंबर पे अगर ऑर्डर करा दिया और 10% अगर आपने उनके घर में पहुंचा दिया, जिंदगी भर दुआ देंगे आपको। बेनिफिट्स उठाओ छोटे लेवल्स पर, CSI के BFI के बेनिफिट्स उठाओ, बड़े लेवल्स पर BFI, और बड़े लेवल्स पर PGGI FGI। सब कंपनी देने के लिए तैयार है, सिर्फ शुरू करने की जरूरत है, स्टार्ट टू फिनिश, नॉट स्टार्ट टू जस्ट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड। कल मैच हुआ, IPL स्टार्ट हुआ, 20 ओवर का मैच है, 19 ओवर 2 गेंद में चेन्नई सुपर किंग ने मैच को जीता, 4 गेंदें और बची थी उनके पास, उनको पता था कि 162 रन का टारगेट उनको 20 ओवर में 120 गेंद में ही पूरा करना है, इसीलिए 20 ओवर में उसका नतीजा आ गया। अगर आप एक डेडलाइन दे दो कि मुझे जो बचे हुए 10 दिन इस महीने के, 11 महीने और हैं रफली, ये जो 340 दिन बचे हुए हैं, मुझे 340 दिन के अंदर ही रिजल्ट लेकर के आना है, इस साल मेरे को प्लेटिनम करके रहना है चाहे कुछ हो जाए, देखिए कैसे नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको शुरू करो, वॉल्यूम क्रिएट करना हर लिहाज से फायदेमंद है, अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसके घर में पहुंचेंगे बीमारी भागेगी, लोगों के जीवन में खुशी आएंगी। अंकिता है हमारी टीम के अंदर में, अंकिता मुझे कल मैसेज करी बड़ा खुश होकर के, सर आज की सेल मैंने 4 कोकोनट बेचे हैं। मैं आई टेलिंग यू, 3 दिन पहले अंकिता ने 9,600 कुछ रुपए के प्रोडक्ट सेल किए, रिटेल किए हैं, जनरल स्टोर की दुकान है, कस्टमर जितना आता है उसकी दुकान पे कहीं जा नहीं सकती है, वो अपनी दुकान में ही कस्टमर्स को बात करके साबुन और तेल और ये और वो सब रिकमेंड करती रहती है, वहीं से टर्नओवर कर लेती है, 300-400 पीवी वहीं से जनरेट कर लेती है। हमको बहाने नहीं बनाने, हमको सोल्यूशन मोड में जाना है। एक नारियल तेल से भी शुरुआत तो करो, एक आंवला तेल से शुरुआत तो करो, एक 50 रुपए के ब्रश से शुरुआत तो करो, ओपनिंग तो करो। आज अगर वो 50 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है तो कल 500-5,000 भी खर्च कर देगा, उसके घर में प्रवेश तो हो, अभी तक उसके घर में एमवे गया नहीं है, अभी वो अछूत है एमवे, उसके लिए डरता है वो एमवे से,
छीन लेंगे, लूट लेंगे, बिक जाएंगे, महंगे हैं सस्ते हैं, जाने तो दो उसके घर में। जब वो देखेगा यार आंवला केवल 6 रुपए का, अच्छा 50 रुपए में 2 टूथब्रश है, ओके 110 रुपए में 3 साबुन है, मिथ तो तोड़ो उसका। एक आखिरी चीज जो मैं और करता हूं, अगर मुझे किसी के 2,000 रुपये खर्च करवाने का मौका है बजट पूछ करके, तो मैं कभी भी उसको न्यूट्रलाइट डेली 120 वाली नहीं दिलवाता, बल्कि मैं 2,000 रुपये में उसको 7, 8, 10 प्रोडक्ट दिलवाता हूँ। कॉमन सेंस अप्लाई करना है। डेली तो उसने आज खाई कल नहीं खाई, और 2,000 रुपये में एक प्रोडक्ट पहुंचा, और ये बताओ 2,000 रुपये में इतनी बड़ी डिब्बी थी, उसकी जगह 2,000 रुपये में अगर एक साबुन चली गई, एक ब्रश चला गया, एक पेस्ट चला गया, एक आंवला चला गया, एक नारियल चला गया, एक डीओ चला गया, एक नेल पॉलिश चली गई, एक टैल्कम चला गया, तब उसको लगता है इतनी सारी चीजें हैं, हाँ फिर तो महंगा नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा क्रिएटिव बनना है। अभी एमबे ने सेशंस किए थे बंडलिंग के ऊपर में, क्या आपने अपना कोई बंडल बनाया है? बनाओ 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का, 5, बनाओ बंडल 3-4 तरह के। बहुत सी फर्जी वाली कंपनियां 3,500, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ज्वाइनिंग का लेती हैं। आप भी बनाओ एक बंडल, 3,500 रुपये का बंडल बनाओ, बुलाओ जी शुरू करते हैं। ये हेल्थ का बंडल है, ये इसका विदेशों में ऐसी ज्वाइनिंग होती है, अमेरिका में ऐसे ही है। आप हेल्थ के बंडल से चलोगे कि आप स्किन के बंडल से चलोगे? अमेरिका में ऐसे होता है। कहने का मतलब है आपका बिजनेस है, कंट्रोल आपके हाथ में, मालिक आप हो, सीईओ आप हो, सिर्फ आपको अपने अंदर वो वाली सोच डेवलप करनी है। तो अगर आप वो वाली सोच को डेवलप कर लेते हो, आप जो चाहोगे उसे कर लोगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप सब मेरी टीम का पार्ट हो, एंड आई फील सो ब्लेस्ड एवरी डे, एवरी अदर डे मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, और मैं चाहता हूँ कि जो रिवॉर्ड मुझे मिले हैं आपको ना सिर्फ वो मिले बल्कि उससे हजारों हजार गुना बढ़कर के मिले, और आप कर सकते हो। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस, सो लेट्स ऑल बी एक्साइटेड और शुरू करते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं, वॉल्यूम के एरिया को फोकस करो, बैलेंस बना के चलना है। जितना इंपॉर्टेंट N21 है उतना ही इंपॉर्टेंट एमवे भी है। नाव के दो चप्पू हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप सिर्फ एमवे करोगे N21 को छोड़ दोगे तो वॉल्यूम परमानेंट नहीं रहेगा, आप सिर्फ N21 करते रहोगे एमवे की बात नहीं करोगे तो वॉल्यूम आएगा ही नहीं, तो खेल शुरू ही नहीं होगा। तो दोनों चीजों को करेंगे साथ में लेकर के करेंगे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश कि आई कुड ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू रवि। Thank you so much, sir, for the valuable inputs and taking out time for this exclusive session. So thanks a lot. Heartfelt gratitude towards you कि आपने time निकाला और बहुत ही beautifully इतनी सारी tips दी, and I'm sure कि सबके life में बहुत amazing value addition करेगा ये session. And in case किसी का कोई सवाल है तो we are like okay to take it up, and we still have some minutes, few minutes rather, because we have another session lined up from 4 o'clock. So, अगर किसी के मन में कोई सवाल है, anything specific that the person wants to ask, so quickly you can raise your hand and we can unmute you and get your questions, or you can send it in the chat box if anybody wants to ask anything from sir. So I take it up as कि किसी का कोई सवाल नहीं है. So with this, thank you so much for joining, and इन चीजों को जो सर ने आज डिस्कस करी है उनको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में, बिल्ड अ बिग बिजनेस, बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस, एंड कल के लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर यूज करें, because it is going to be another life changing event, right? शुरुआत वहीं से होगी, बड़ा विजन, जैसे सर ने विजन कास्टिंग करी है आज बहुत अमेजिंग तरीके से कि आपको रिवॉर्ड क्या क्या मिल सकते हैं, तो वो रिवॉर्ड मिलते हैं किसको और क्या बन जाते हैं लोग उन रिवॉर्ड्स को पा करके, और क्या क्या रिवॉर्ड हैं जो लोगों ने अकम्पलिश किए हैं अदर देन मनी, वो आपको कल देखने को मिल सकता है. और अदर देन दैट यू कैन हैव अ विजन फॉर योर लाइफ, यू कैन हैव great great insights, great great inputs, great education tomorrow, right? So come join us tomorrow for the live stream, and thank you so much, sir, once again for taking out time for this exclusive session. So thank you so much. I'm signing it off. So yeah, have a nice evening and the day ahead. Thank you.